प्रदेश भर में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जिला कांगड़ा में भी पोंग बांध का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है, जिसके कारण विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और इस बारिश के चलते प्रदेश को 470 करोड़ की चपत लग चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि अगर पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो किसी भी समय बांध से पानी छोड़ा जा सकता है। वैसे तो पोंग बांध का एरिया 1430 फीट है, मगर यहां तक कि पानी पहुंचने से पोंग बांध के आसपास बसे कई गांव पानी की चपेट में आ सकते हैं। फिलहाल विभाग इसे 1410 फीट तक ही भरता है। जैसा कि पिछले 3-4 दिनों से हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बारिश हो रही है, लगातार पानी आ रहा है और काफ़ी नदियों में और खड्डों में भी काफ़ी पानी आया है। तो मेरा सारे जितने भी हमारे यहाँ फतेहपुर सब डिवीज़न के लोग हैं, मैं उनसे और ख़ास करके मंड क्षेत्र का जो रे अस्थाना रियाली टटवाली वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि खड्डों के नज़दीक और नदी के नज़दीक ना तो खुद जाएँ और ना ही अपने पशुओं को जाने दें, क्योंकि जो हमारा रिजर्वायर पोंग डैम का बांध जो है उसका पानी का लेवल भी काफ़ी पूरा हो चुका है और वो अब किसी भी समय जो है वो वहाँ से पानी को छोड़ सकते हैं। तो आप अपना बचाव करें और अपने पशुओं को भी उस तरफ ना जाने दें। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए NV News YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।